लगभग 200 साल से ऊपर है ये। कंजेस्टेड है मामला, बहुत समझदारी के साथ है, बहुत सावधानी के साथ में चलना पड़ता है। भाई ये क्या कर दिया? संगम नगरी देवप्रयाग, ये है जी देवप्रयाग, और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ये देखो जबरदस्त, काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी है। ये देखो संगम नगरी, मतलब यहाँ पर संगम होता होगा दो तीन नदियों का, जैसा कि होता ही है संगम में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बड़े रंग बिरंगे मकान होटल वगैरह बने हुए हैं। ये देखिए ये देख लो जी, थोड़ा सा शाम का टाइम उत्तराखंड का, ये कोई सा गांव है अभी तो, यहाँ का माहौल है कुछ ऐसा। और देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी गायें होती हैं, आई मीन कि हाइट ज़्यादा नहीं होती। अभी तक जितनी भी गायें देखी हैं यहाँ पर सारी छोटी हाइट की हैं, मतलब इनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती, ज़्यादा ऊँची नहीं होती। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग, अब हम उठे हैं, अभी लगभग 6 बजे के आसपास उठे थे और ये हमारे लोग, और धूप निकल गई है। ये देखो मौसम ऐसा हो रहा है, और सबसे पहले हम जाएंगे नहाने के लिए, और क्योंकि हमें जाना है केदारनाथ, और केदारनाथ ट्रैक करना है। ये देखो बाहर का भी है कुछ ऐसा सामने, पहाड़ है, वाह भाई अद्भुत नज़ारा है। ये दीपक, अब हमारी तैयारी नहाने की। यहाँ पर एक कुंड है, और किस क्या कुंड भैया, क्या नाम है उस कुंड का? मंदिर का एक कुंड है जिसमें शिवलिंग का पानी है। मंदिर का? नहीं, मंदिर का है। अच्छा, एक मंदिर का कुंड है जिसमें शिवलिंग का पानी आता है, तो वहाँ पर ही नहाते हैं। तो हम भी जाएंगे उस कुंड में नहाएंगे, और आकर के फिर तैयार होंगे, मतलब तैयार तो भी हो जाएंगे, कपड़े वहीं लेकर के जा रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे केदारनाथ ट्रैक के लिए। भाई ये देखो हमारी बुलेट के हाथ हो गए कुछ ऐसी, बारिश का पानी, क्योंकि बारिश पड़ रही थी तो उसमें कीचड़ वीचड़ में गड्ढों गड्ढों में गई थी, तो देखो हालत ऐसी हो गई है। एक्चुअली ये घर नहीं है, ये धर्मशाला है, जो कि मैंने अभी भी पढ़ा है। ये देखो लिखा हुआ सामने, श्री 1008 बाबा काली कमली धर्मशाला गुप्तकाशी। और ये भैया हैं जो दीपक की जानकारी हैं, इनकी जानकारी से हम यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों हम आ गए कुंड पर यहाँ नहाने के लिए, और देखो दीपक बैठा हुआ है यहाँ पर, और मैं आपको दिखा देता हूँ कुंड है कैसा। ये पीछे जो चल रहा है पानी, ये है कुंड, और ये दो मुंह बने हुए हैं, इनसे पानी निकल रहा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरे से, ये है जी कुंड, एक इस मुंह से निकल रहा पानी, ये हाथी मुंह है, और एक वो नंदी मुंह है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, और ये कहते हैं कि हाँ शिवलिंग से पानी आ रहा है। और देखो भाई ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये बिल्कुल केदारनाथ जैसे, केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ जी का मंदिर है, बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह है। मैं आपको दिखा दूँ साइड से भी, बिल्कुल सेम। आप केदारनाथ मंदिर आपने देखा होगा वीडियो में, या आपने रियल में देखा होगा, बिल्कुल ऐसी है, आगे से ऐसे और पीछे से बिल्कुल ऐसी, जो मंदिर है वो इस तरह का है। और ये चारों तरफ इनके यात्री विश्राम गृह है धर्मशाला टाइप में। और एक और मंदिर है छोटा सा, श्री अर्धनारीश्वर मंदिर गुप्तकाशी। ये देखो जैसे वो नहा रहे हैं ऐसे ही बनाएंगे। तो भाई हम नहा धो लिए हैं, और नहाने के बाद में फिर हम अंदर जाके माँ मंदिर में दर्शन भी कर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपने धर्मशाला में कमरे में, और वहाँ से अपनी तैयारी करेंगे केदारनाथ ट्रैक के लिए। और ये इधर एक बड़ी LED भी लगी हुई है जो कभी कभी चलती है, और यहाँ पर मतलब उनकी केदारनाथ जी फिल्म वगैरह दिखाई जाती है, यहाँ पर जो भी धाम है उनकी फिल्म दिखाई जाती है। और ये भाई देखो एक घर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए घर भाई साहब, ये अपने आप में एक इतिहास है, लगभग 200 साल से ऊपर है ये, 200 साल से ऊपर है। ये देखिए इसकी बनावट, पूरा लकड़ी का और पत्थर का बना हुआ है, ज़बरदस्त। ये देखिए पुरानी लकड़ियाँ लगी हुई हैं, पुराने पत्थर लगे हुए हैं, ज़बरदस्त। ये गेट देखिए अद्भुत।
और इस काशी विश्वनाथ मंदिर की एक बात और बताता हूँ, जब केदारनाथ के पट खुलते हैं तो केदारनाथ में जो डोली आती है भगवान महादेव की, वो आती है ओखीमठ से, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर है, जोशीमठ के आसपास है। और वहाँ से ओखीमठ से डोली आने के बाद में यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर पर आती है, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर से सीधा केदारनाथ जाती है। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर की विशेषता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं भैया की दुकान में, जैन भैया पास में हम आए हैं, उनकी दुकान है। और अभी हम हमने फ़िलहाल के लिए अपने बैग यहाँ पर रख दिए हैं क्योंकि हम वापस आएंगे केदारनाथ से। तो यहाँ से हम मोस्ट प्रोबेबली केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। ये देखो ये है भैया की दुकान। और ये जस्ट उनके सामने है ये विश्वनाथ मंदिर। पहले हम जाएंगे यहाँ से गौरीकुंड, और पहले से होते हुए गौरीकुंड तक जाकर हमें, गौरीकुंड जाने के बाद में अपनी बाइक पकड़ी उस पार, उसके बाद फिर हम केदारनाथ के ट्रैक के लिए चलेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए सामने पहाड़, देखिए आप बर्फीले पहाड़ है बिल्कुल, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ये मैं आपको थोड़ी सी मार्केट दिखाता हूँ, चलता हूँ। मार्केट है कह लो चाहे गांव कह लो, और गांव है यहाँ पर और उन्होंने मारी नहीं की मार्केट है। और ये देखिए व्यू, आप बड़ा ही सुंदर नज़ारा आया। यार ये ना हमारी बाइक में कुछ आवाज़ आ रही है, आपने देखा होगा पीछे वीडियो में भी कुछ आवाज़ आ रही थी बाइक में, जब भी मतलब कोई गड्ढा आ रहा है उसमें बाइक का टायर जा रहा है तो एकदम से आवाज़ आ रही है कुछ, उसे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ना बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग हो रही है, तो देखते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। अदरवाइज कोई भी दुकान मिलेगी बाइक वाली तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे फिर इसे ठीक करवाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग। वापसी आ रहे हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा मतलब चौड़ाई कम है, और देखो कंजस्टेड है मामला, बहुत समझदारी के साथ है, बहुत सावधानी के साथ में चलना पड़ता है। यहाँ पर यही है भाई, जब आप जाते हैं उत्तराखंड में बहुत समझदारी के साथ में चलना पड़ता है, मतलब काफ़ी कम चौड़ाई है, काफ़ी कम चौड़ा रोड है, और उसमें दौड़ बस नहीं चल रहा है, बस एक साथ आ रहे हैं, तो दिक्कत हो जाती है, बहुत सावधानी से बहुत समझदारी के साथ निकालना पड़ता है। भाई एक दुकान मिली तो है बाइक वाली, तो देखते हैं ये भैया हम पता चल कर पाते हैं कि क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम इसमें, यानी वो कर तो रहे हैं। दीपक देख का एक काम करो, आप ही जाओ बैठ के, हम पता चलेगा आपको, चलो कोई नहीं आप जाओ। टेस्ट ड्राइव इसकी देखते हैं कि अभी भी प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही, मेरे ख्याल से मेरे तो लगता कि तो फिक्स नहीं होने वाली। और ये दुकान के आसपास का व्यू है कुछ ऐसा, ये है उनियार मोटर वर्कशॉप। ये आ गया दीपक वापस, आ रही अभी भी, हाँ आ रही है, मैं वही कह रहा हूँ अभी जल्दी तो फिक्स नहीं होने वाली है, तो बोल रहा था जल्दी फिक्स नहीं हुई, जो प्रॉब्लम है बड़ी लग रही है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखना पड़ेगा।
तो भाई जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि उस बंदे से बाइक सही नहीं होने वाली है, उससे नहीं हुई, उसको नहीं पता चला, उसने तो एक दो चीज़ें कोशिश भी करी करने की लेकिन उससे नहीं हो पाई। फाइनली मैं यहाँ पर रुके हैं, आपको दिखा दूँ, देखो ये व्यू, वो ऊपर एक हेलीकॉप्टर जाना उड़ता हुआ और सामने है आई थिंक वही केदारनाथ है और ये देखिए ज़बरदस्त व्यू। तो यहाँ पर दीपक रुका है, दीपक ने बोला कि यार एक दो फोटो खींच दे, तो हम यहाँ पर फोटो शूट करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं एक दो। और हाँ एक बात और मैं बोलूँगा, मैं सोच रहा था पहले कि अपना जो गुप्तकाशी से शुरू करेंगे और केदारनाथ का जो ट्रैक होगा वो गुप्तकाशी से शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है यार, क्योंकि वहाँ से गुप्तकाशी से और वहाँ तक गौरीकुंड तक जाने में बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि मैंने आपको दिखाई हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं केदारनाथ वाला ट्रैक भी इंक्लूड कर दूँगा। तो इसलिए इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे गौरीकुंड तक, वहाँ पर अपनी बाइक पार्क करेंगे और उसके बाद में हमारा नया ब्लॉग शुरू होगा केदारनाथ ट्रैक का। और मैं चाहता हूँ कि केदारनाथ ट्रैक का जो ब्लॉग है वो मैं स्पेशल बनाऊँ, तो वही मैं करूँगा वहाँ जा करके। भाई ये देखो रास्ता इतना बढ़िया नहीं है, रास्ता बहुत ज़्यादा संकरीला है, ये देखो, और यहाँ पर क्या जाम सा लगा पड़ा भाई, मतलब भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन रास्ता है, प्लेन तो है नहीं, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है रास्ते पर और बहुत सावधानी से चलना भी पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गड्ढे भी है। ये देखो पुलिस वाले मैनेज कर रहे हैं भाई ट्रैफिक को, ये शायद ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कोई मोड़ है, हाँ आगे जाके कोई मोड़ है, तो भाई ये क्या कर दिया ये गाड़ी वाले, भाई साहब एकदम ब्लैक हो गए इस पर मैनेज भी, तो आगे जाके कोई मोड़ है जहाँ पर दोनों साइड एक साथ नहीं चल सकते, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे एक साइड वाले, इससे मैनेज नहीं हुई, पीछे गाड़ी आ गई भाई। यहाँ से अब गौरीकुंड आ गया लगभग 17 किलोमीटर और फिर से थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, ये थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, यहाँ पर सामने पुलिस वाले थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ यार बाइक वाले तो जा रहे हैं, ठीक है निकल सकते हैं, हम रुक गए थे यहाँ पर, हम रुक गए क्योंकि आगे हमें लगा कि शायद सब रुक गए, ये बाइक वाले निकल सकते हैं, ये देखिए अच्छा वापस क्यों आ रहे हैं, ये देखो आ गया सोन प्रयाग में, यहाँ पीछे ये देखो गाड़ियाँ खड़ी है और अभी हम जैसे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस वाले रोक लिया, ये गाड़ी आगे ले जाएगी, आप यहाँ से सोन प्रयाग से देखो देखते कैसे जाते हैं। होगी भैया प्रोसेसिंग पूरी, अरे क्या पूरी गोंद वोंद से लगा रहे हैं, अच्छा इस पे स्टे हैं चिपकाने के लिए, बहुत सही भाई ये चिपका दो भाई। और ये दीपक हमारा बैग खोलते हुए, इसे लेकर के हमें चलना पड़ेगा अपने पीठ पर और उसके बाद हम लेंगे यहाँ से
गाड़ी जो लोकल है यहाँ पर, और वो पहुँचाएगी हमें गौरीकुंड, और वहाँ से फिर हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। तो भाई हमने अपनी बाइक कर दी पार्क यहाँ पर, और बाइक पार्क करने के बाद हम देख रहे हैं गौरीकुंड के लिए टैक्सी जाती है यहाँ पर। ये सामने मार्केट है, यहाँ से 300-400 मीटर की दूर पर बताई कि टैक्सी मिलेंगी जो कि गौरीकुंड जाएंगी, और गौरीकुंड जाने के बाद में हमारा फिर वहाँ से अगला प्रोसेस होगा केदारनाथ की ट्रैकिंग के लिए। ये देखिए आगे कुछ, ये लोकल मार्केट है। ये देखो भाई ऐसा माहौल है, दीपक को लग रही है गर्मी, ये पहन कर आ गया अपना गर्म टी शर्ट सी स्वेट शर्ट सा, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैंने नहीं पहना था मुझे पहना था कि क्योंकि अपने पास तो है ही, अगर ठंड लगी तो निकाल के पहन लेंगे, लेकिन अब यहाँ देखो धूप हो रही है ज़्यादा और थोड़ी सी हो रही है गर्मी। ये जा रहे भाई आगे पिक्चर केदारनाथ के लिए, ये साइड में है दुकान है। गमछा माँ का लिखा हुआ था उस पर, हमने गमछा पूछा। ये देखो भाई हाई कर रहे हैं हमने पूछा यहाँ पर गमछा, वो था 100 रुपये का एक, हमने सोचा हमें लगा कि 50 रुपये का होगा, लेकिन भाई 100 रुपये का दे रहे थे, मैंने भैया रहने दो ये भी 100 रुपये का दे रहे हैं आज ही। अरे भाई 100 रुपये का है। चलो जी ये देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ नदी कितनी मस्त तरीके से बह रही है। ये देखो और ये आ रही है वहाँ से भाई, बहाव बहुत तेज़ है, इतना लग नहीं रहा होगा आपको, देखकर लग नहीं रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बहुत तेज़ बहाव है भाई। ये मुझे लग रहा है ये है संगम, क्योंकि सोनप्रयाग है, और जहाँ पर जितने प्रयाग होते हैं वहाँ पर संगम ही होता है। तो ये देखें एक नदी साइड से आ रही है, इसका पानी थोड़ा सा अलग है, और एक नदी उस साइड से आ रही है, तो ये दोनों आकर यहाँ पर मिल रही हैं, तो आई थिंक ये भी एक संगम ही है। भाई ये संगम है दोस्त, संगम है ये, है ना, ये मंदाकिनी पल्ली वाली है, और ये सोमगंगा। अच्छा भाई, भाई ने बताया कि ये जो दूसरी उस साइड वाली नदी है, अभी दिखाई देता हूँ आपको, ये उस साइड वाली जो पल्ली तरफ की जो नदी है वो है मंदाकिनी, और ये इधर वाली है सोमगंगा, इन दोनों का संगम है यहाँ पर। खाने के लिए तो हमने देखा क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर मिला हमें आलू पराठे का ऑप्शन, वो ये देखो पीछे मंदिर है, तो हम लेंगे आलू पराठे एक एक, और उसके बाद में खा कर चलेंगे भाई। देखो इधर और भी बहुत सारे भाई खा रहे हैं यहाँ पर, सिख भाई यहाँ अपने तो खा रहे हैं, और उधर बन रहे हैं तो भाई काशी में ऐसा हुआ था कि हमने पीछे खाली चाय, और चाय के साथ आए थे हमारे पास सामने आवाज़ है यार, हमने सोचा कि कुछ और भी खाने को आएगा, लेकिन बस खाली चाय बिस्किट आए, तो इसलिए अब आगे जा रहे हैं, थोड़ी सी भूख लगी है और हमें एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ तो खाने पड़ेगा यार, इसलिए पराठे खा रहे हैं भाई। ये हैं अपने सारे सिख भाई आए हुए हैं। भाई आप सब भी केदारनाथ जा रहे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे और कहाँ से आए? पंजाब से? पटियाला? सारे पटियाला? तुम पटियाला? बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। ये सारे सिख भाई अपने, और ये भाई बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। तो अभी मतलब केदारनाथ के बाद में बद्रीनाथ भी जाओगे या खाली केदारनाथ? कौन से? हेमपुर साहिब? हाँ यार ये नाम तो सुना है मैंने, कहाँ पर? अच्छा अच्छा गुड है गुड। सारे सिख भाई मिल गए, और सबसे बात ही दो बातें हुई आपने देखा ही था, मज़े ही आ गया, जो जयकारे लगे सत श्री अकाल के और श्री राम के और भोलेनाथ के। ये देखो भाई इसका अलग ही चल रहा है, इसका फोन बंद नहीं हो रहा, इसका कॉल सेंटर चालू है तेरा कॉल सेंटर बंद नहीं हो रहा है भाई आगे पराठे हमारे ये देखो उन्होंने पीस करके दिए ऑलरेडी, और भी खाते हैं, और खाने के बाद में अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे भाई। चलो भाई लोगों बाय 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 बाय, मोस्ट वेलकम ब्रो, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। जा रहे भाई सारे, ये भाई चलते हैं अपने, बस हम भी खा करके निकलते हैं। कैसा टेस्ट है दीपक? बढ़िया बहुत बहुत सही टेस्ट है भाई। तो भाई फाइनली हम बैठ गए गाड़ी में गौरीकुंड
के लिए और 50 रुपये किराया लिया इन्होंने भाई। बुलोरो का दरवाजा है, दरवाजे दरवाजे और एक गोरी को छोड़ेंगे हमें और वहाँ से फिर हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है केदारनाथ की। तो भैया देखो, तो भाई भैया कह रहे हैं कि मतलब भैया कह रहे हैं कि अपनी बता रहे हैं, अपनी आप भी नहीं बता रहे जैसा कि गाड़ी चला रहे हैं। अभी देखिए क्या कंडीशन है रोड की यहाँ पर, ये देखिए एक तो रोड पतला है ठीक है, चौड़ाई कम है, ऊपर से फिर क्या कहते हैं रोड संकरा है ठीक है, अच्छे रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है गाड़ी में ब्रेक वेक मारती है, इतने गड्ढे आते हैं तो उनकी वजह से किली स्पीड में बहुत ज़्यादा से पड़ता है। तो ये भैया का ये कहना है कि भाई ये हम मतलब हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे और ये रोडों का सुधार करवाएँ। और ये साथ में हमारे यहाँ पुलिस ऑफिसर भी हैं, ये बैठे हैं भैया, और इनका कहना है भैया आपका नाम क्या? मेरा नाम पुष्पराज। क्या नाम है? पुष्पराज। पुष्पराज, ये पुष्पराज भैया हैं बैठे हुए हैं, ये यहाँ उत्तराखंड पुलिस में जी। और ये देखिए सामने रोड देखिए ठीक है जी, ये देखिए रोड। तो ये पुष्पराज भैया भी इस वास्ते मतलब बिल्कुल सहमत है कि हाँ भी रोड की कंडीशन तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी एक तो बहुत ज़्यादा पतला रास्ता है और अगर उसमें भी रोड ख़राब हो तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई सुन रहा है इस बात को जो यहाँ से रिलेटेड है, वो बिल्कुल भाई इस बात पर गौर करें और यहाँ के रोडों का सुधार करवाएं जल्द से जल्द, ताकि उनके लिए भी दिक्कत ना हो, यात्रियों के लिए दिक्कत ना हो। और ये हमारे गाड़ी चलाने वाले भैया हैं, ड्राइवर भैया, ऐसे हम बहुत सारे भाई हैं यहाँ पर, उनके लिए भी दिक्कत। और भैया का ये भी कहना है कि सीतापुर से लेकर गौरीकुंड तक कोई भी मतलब ऐसी सुविधा नहीं है, पानी की अगर मैं बात करूँ पानी की सुविधा नहीं है कोई खास, और मैं बात करूँ सुलभ शौचालय की तो वो भी कोई सुविधा नहीं है, तो ये सुविधाएं भी होनी चाहिए। और भैया ने सही बताया कि जैसा कि सीतापुर से लेकर गौरीकुंड तक कोई मतलब पानी का इतना हिसाब किताब है, तो शायद यही रीज़न है कि जो बोतल है 20 वाली वो वहाँ पर 80 रुपये की मिलती है। तो इस तरह पानी की सुविधा होनी चाहिए भाई, हर बंदे आते हैं यहाँ पर यात्रा करने आते हैं, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अफोर्ड करेगा 80 रुपये की बोतल 20 वाली, तो इसका मतलब कुछ ऑप्शन होना चाहिए, पानी का पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए गौरीकुंड, अब गौरीकुंड में पीछे लग रहा था जाम, ये देख रहा होगा पीछे गाड़ियां खड़ी है। तो यहां से हम हमारा जो फूड ट्रैक चालू होगा केदारनाथ का वो मैं भी दिखा देता हूं, लेकिन जो हमारा गुप्तकाशी से लेकर गौरीकुंड तक का जो ब्लॉग है वो सब यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपना ख्याल रखें, बाय बाय।